दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 तारीख और मेरे को आज स्कूल से आया बुलावा, तो आज स्कूल जाएंगे हम। रानी की बुलाया चलते। अभी हम घर से निकल चुके हैं और मैं लेट हो चुका हूँ हमेशा की तरह। सीमापुरी डिपो तक जाना है, लेट हो गए हैं, सब पहुँच गए हैं। अकेले मेरे को ही नहीं बुलाया, पूरा हमारा मित्र मंडल सारे बच्चों को बुलाया। तो LOC साइन करवानी है ना, जिसका जैसा बुलाया है। कोई कंप्लेन नहीं है मेरी, होगी तो कोई नहीं, देख ली जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम कुंवर भाई का वेट कर रहे हैं, उन्हें आने में बड़ा टाइम ले रहे हैं। और आशीष और यश भाई के 4 कॉल आ चुके हैं, क्या हो जाएगा। और कुंवर भाई आते हुए बहुत टाइम लगाते हुए, ओहो एकदम सेक्सी लग रहे हो। तो अभी हम सब बस में बैठ गए। आशीष हाय करो। और वार गर्लफ्रेंड कौन है? ठीक है, अभी हम DTC बस में सफर चालू। हेलो नवनीत भाई, कैसे हो? बढ़िया सब? बढ़िया सब, चलो बढ़िया है। और घर भाई को तो आप जानते ही हो, वो भाई साहब अभी टिकट कटते कटते बची, पता नहीं खो गई थी एकदम से। कोई नहीं, मिल गई। अरे हम पहुंच चुके हैं स्कूल के आसपास, बस यहाँ से थोड़ी दूर है स्कूल। और ये देखो हम सब बिल्कुल गबरू बन के जा रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल यो लग रहा हूँ। और ये हम अंदर आ चुके हैं स्कूल के। ये रहा अपना स्कूल, और ये रफेल पता नहीं क्यों लगा रखा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हमारा नाम पता नहीं क्यों है, क्यों नहीं है, होना चाहिए। घर भाई हमारा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हम लेजेंड है, लेजेंड बिल्कुल लेजेंड। ओहो ये देखो सामने से आ रहे हैं शुभम शर्मा, इसका भी यूट्यूब चैनल है भाई। व्लॉग बन रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो भाई? कर ला लिया साइन। और दीपांश भाई बढ़िया, हाथ तो मिला लो। बस भाई व्लॉग बना रहे थे। दीपांश भाई यो तो कर दो, यो यो भाई, तुम भी यो करो, यो ही नहीं तुम यहाँ साइन करेंगे, हमारी टीचर ही नहीं आ रखी। सेक्सी, अभी हम तो यहाँ पर टाइम पे आ गए लेकिन टीचर ही नहीं आई, टीचर ही एब्सेंट है। तो बताओ क्या करें अब हम? चलो कोई नहीं, स्कूल दिखा देते हैं। ये अपना स्कूल है, ये बसें अभी खड़ी है। अरे ये अपने रूट नंबर 28, इसमें मेरी बस है। बाकी सब नवनीत भाई की भी टीचर नहीं आ रखी, मेरी भी टीचर नहीं आ रखी। और ये देखो नमन भाई, और नमन भाई बढ़िया सब करवा लिया साइन। और भाई बढ़िया भाई, प्रमोशन तो कर दो जो कह रहे थे भाई, कह रहे थे तुम प्रमोशन करोगे, हमारी टीचर नहीं आ रही। तो अभी करवाते हैं हम साइन बस। और ये हमारे स्कूल का है रिसेप्शन, यहाँ पर तो बहुत मोटा बना रखा है माल। यहाँ तो सब कुछ बाहर बाहर से तो बिल्कुल अमीर स्कूल है, मगर अंदर आके ही पता चलेगा कि असल में क्या है। तो स्कूल में खड़े होकर स्कूल को रोस्ट कर रहा हूँ मैं, रोस्टर ना बन जाऊँ मैं बस। और यहाँ पर अभी बाकी सब करवा रहे हैं, ये देखो सब लाइन में लगे हुए हैं, हम ही हैं बस जो कर रहे हैं। हाँ भाई व्लॉग ही बन रहा है, तुम कराओ जल्दी से। भाई साहब हैंडसम लग रहे हैं, हैंडसम। और चेतनयन भाई बढ़िया, बढ़िया भाई, हाथ तो मिलाओ। माना भाई इधर तो देखो, नाराज़ हो गया भाई, देख रहे हो भाई, देख लो। और ये हमारे स्कूल का बड़ा सा मैदान, यहाँ पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब खेली जाती है, क्रिकेट भी खेलते हैं। बहुत सही ग्राउंड है ये, यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं और उधर क्रिकेट।
और यहाँ पर अभी तक कितनी भीड़ लग गई है। 3 सेक्शन एक ही क्लास में कर दिए तो भीड़ तो लगेगी ना, एक टीचर को 3 सेक्शन। और यह हमारी फालतू सी कैंटीन। और आरान भाई बढ़िया भाई, हेलो। चलो तो अभी हम खुला व्लॉग बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कुछ कह भी नहीं सकता, ध्यान से बस कोई टीचर ना आ जाए। तो अभी बहुत हमने साइन वाइन करवा लिए, काम वगैरह हो गया, वीडियो भी बना लिए, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ लो। और ये रफेल किस काम का है मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। नवनीत भाई क्यों रखा है यहाँ पर, शो पीस के लिए रखा है यहाँ पर, बताओ। शोबाजी बहुत है हमारे स्कूल में, अंदर आके देखो पता चलेगा सारी शोबाजी। खुल जा सिम। तो अभी सब काम हो गया है, अब हम जाएंगे कुछ खाने, हो जाती है थोड़ी लेट, हमें आए हुए 2 घंटे तो ही गए होंगे, 2-3 घंटे हो गए होंगे। अब चलते हैं बाहर, चलो सारे, बाय बाय। चल चल कोई नहीं। तो अभी इतने टाइम बाद आए हैं तो यहाँ की मार्केट भी दिखा दे, स्कूल के बाद यहीं बंक मारते हैं हम, क्यों ना मन भाई। हाँ भाई सब यहीं पे बंक मारते हैं स्कूल के बाद, स्कूल से पहले भी, स्कूल के वक्त भी, स्कूल के यहीं पे खाने आते हैं सब। मेन मार्केट है मतलब हमारे स्कूल के सामने। मैं तो देखो बस यूज़र हूँ, ये सारे वैन वाले हैं, इनको ही पता है यहाँ पर का चाय टपड़ी। तो नमन भाई अभी कितनी देर से चल रहे हैं, करीबन 5 मिनट से चल ही रहे हैं। ये दोनों कह रहे खाएंगे कुछ ना कुछ खाएंगे, तो 5 मिनट से चल ही रहे हम, बताओ क्या करें इतनी देर से, बोर हो गए अब तो चलते चलते भी। यानी और कितना चलना पड़ेगा, गर्व भाई कह रहे हैं सब पे चलो मैकडी चलो, जेब में 30 रुपये हैं और इनको चलना है मैकडी पफ खाना है। स्टारबक्स भी कह रहे थे अभी, तो वो तो हम नीचे ही आए। जो चलते चलते रेलवे की पटरियाँ भी आ गई और हमारा चलना बंद नहीं हुआ, बताओ कहाँ ले जाएंगे ये दोनों खाकने के पीछे। पूरा ये रेलवे पटरी है, विवेक विहार रेलवे स्टेशन, यहाँ पर लोग सुबह का काम करते हैं। ओह गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, चाबी पता नहीं कैसे दे रखी है नमन भाई, हमने ड्राइवर लेके भाग गया। अब ये मत बोलना राजस्थान का नंबर है, ठीक है हम वेग विहार से चलते चलते कहाँ आ गए, देखा आ गए, कुछ खाने को नहीं मिला भाई, इसके बताओ इन्हें खाना नहीं है, जहाँ हमें खाना वहाँ इन्हें नहीं खाना, और जहाँ इन्हें खाना है वहाँ किसको खाना है भाई। स्टार वक्त चलते आराम से, एक फुल सब्जी लेता है, दाल मखनी वगैरह और लगाते 20-30 रुपये। हाँ सही कह रहा है, ये रहा गोविंद ढाबा, हॉस्पिटल चलते हैं और कोविड की दवाइयाँ खाते हैं, वैक्सीन आ रही होगी।
और ये दो पुरानी है हस्बैंड वाइफ, इनको बहुत जल्दी है, इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ तक आ गए हैं चलते चलते। है ना नॉन वेज काफी, ये गोविंद ढाबा। तो फाइनली दोस्तों इतनी मेहनत और चलने के बाद हम आ चुके हैं नन दिलशाद गार्डन में पोखरा वाले में। मतलब इतना चला और हमारे पोखरा वाले में, बताओ ये बात हुई है। चलो कोई नहीं, खाना तो मिला कम से कम, अब बस सीट मिल जाए मेरी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में, बस बैठने की जगह मिल जाए।